हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चने की बुआई के समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी जो पैदावार है ना वो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ सके, एक अच्छी पैदावार निकल सके और कहीं ना कहीं चने का वजन बढ़े, टेस्ट, स्वाद। और चने की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो बुआई के समय कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए ताकि उपज काफ़ी अच्छी हो। तो नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चना दोस्तों एक दलहनी फसल है और दलहनी फसलों पर सल्फर बहुत अच्छा काम करती है और चना एक असिंचित दशा पर भी चने की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। जहां पर बहुत कम सिंचाई के साधन हैं वहां पर भी चने की खेती बहुत बड़ी मात्रा पर की जाती है। तो कहीं ना कहीं पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, जैसे हम गेहूँ की खेती करते हैं तो आगे चल के भी खाद प्रयोग करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन चने में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको प्रयोग करना है बुआई के समय ही प्रयोग करना है, तब जाके आपको एक अच्छी उपज मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, चने की बुआई के समय एक एकड़ में आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छे मिले, उपज अच्छी हो। तो यह सभी किसानों के लिए है, चाहे हल्की भूमि हो, भारी भूमि हो, आप एक एकड़ पर प्रयोग करके देखिए और जो रिजल्ट है ना दोस्तों वो आपको काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, बुआई के समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है। हम प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों 1846 DAP खाद। इसमें नाइट्रोजन 18% है और जो फास्फोरस है वो 46% है। फास्फोरस तो आपको पता ही है कि पैदावार बढ़ाने में, जड़ ग्रंथि को विकास करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और चने की फसल पर ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं होती, तो हम DAP इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों 50 किलोग्राम एक एकड़ में। इसके साथ दोस्तों हम ले रहे हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। कहीं ना कहीं घटती पैदावार का एक मेन कारण है कि किसान पोटास, पोटेशियम तत्व की पूर्ति बहुत कम करते हैं। तो हम MOP ले रहे हैं 30 किलोग्राम। यह दानों के विकास में, बढ़वार में, जड़ ग्रंथि में बहुत अच्छा काम करती है MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। इसके साथ ही हम सीवीड एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं जो इफको कंपनी की सागरिका आती है। यह सीवीड है बढ़वार में, विकास में, फुटाव में, हरियाली में। अब जरूर नहीं कि आप इफको की सागरिका ही लें, बायोबीटा जो दानेदार आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धानुका की धनजाइम गोल्ड आती है, बहुत सारी कंपनियां सीवीड एक्सट्रैक्ट दे रही हैं, तो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। हम इफको कंपनी की सागरिका दानेदार ले रहे हैं 10 किलोग्राम। यह प्राकृतिक उत्पाद है। इसके साथ दोस्तों हम ले रहे हैं बेंटोनाइट सल्फर। सल्फर चने की फसल पर बहुत अच्छा काम करती है और जब दलहनी तिलहनी फसलों की बारी आती है तो सल्फर को आप पीछे नहीं रख सकते हैं। सल्फर उत्पादन को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। तो 90% वाली सल्फर हम 5 किलोग्राम ले रहे हैं। अच्छे से अच्छी कंपनियों का बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम 300 रुपये के आसपास मिलता है, तो आप सल्फर को पीछे नहीं रख सकते हैं। सल्फर का इस्तेमाल आपको चने की फसल पर ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही हम मिक्स करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। किसी भी कंपनी का आप माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं 5 किलोग्राम एक एकड़ में। तो इसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, 4-5 पोषक तत्व होते हैं पैदावार बढ़ाने में। और चने की फसल आप पिछले सालों से करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ग्रोथ बढ़वार रहती है, तो आपको अवश्य माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम मिलाने वाले हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जड़ों के विकास में बहुत अच्छा काम करती है और किसी भी कंपनी का आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के नाम देख रहे हैं, कोई स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है। यदि आप पाउडर फॉर्म वाला लेते हैं तो 1 किलोग्राम में भी काम चल जाएगा, आधा किलोग्राम में भी काम चल जाएगा एक एकड़ में। और यदि आप बायोलॉजिकल ले रहे हैं तो आप 4-5 किलोग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से चने की फसल पर 98% वाला ही ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। जड़ों के विकास में बहुत ही अच्छा यह ह्यूमिक एसिड काम करता है। जब भी हम इन सभी खादों को मिक्स करेंगे बुआई के समय तो हम UPL की साफ यानी कार्बेंडाजम प्लस मैंकोजेब का भी प्रयोग करने वाले हैं 500 ग्राम एक एकड़ में। जब आप बुआई कर रहे हैं तो बेसल डोज के साथ कार्बेंडाजम और मैंकोजेब का यदि सोयल एप्लीकेशन से या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से इन खाद के साथ मिक्स करके प्रयोग करेंगे तो जड़ संबंधित जो उकठा रोग है बेल्ट काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल मिलने वाला है। तो कार्बेंडाजम और मैंकोजेब भी 500 ग्राम मिक्स कर लीजिए। तो इन सभी खादों को
आप बुआई के समय प्रयोग करें। और चना एक ऐसी फसल है ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसका जो मेन कारण है, चने की जड़ों में राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो ऑटोमेटिक मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण कर पाती हैं। तो हमारे किसान भाई जब बुआई कर रहा है तो एक एकड़ में इन सभी खादों का इस्तेमाल करें और चने की बुआई करें, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और रही बात नाइट्रोजन की, तो कुछ परसेंटेज में, कुछ मात्रा में हम DAP के साथ जो 18-46 है ना, तो 18% इसमें नाइट्रोजन आपको मिलने वाली है, तो इतने से काम चल जाएगा। तो बुआई के समय यदि आप इन खादों का प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।